रुद्रपुर थाना ट्रांजिट कैंप इलाके में समीर आत्महत्या गोलीकांड प्रकरण में पुलिस ने आर्म्स एक्ट का मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। प्रारंभिक पड़ताल में पता चला है कि युवक ने खुद को गोली मारने से पहले अपनी पत्नी को वीडियो कॉल की थी। इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। दरअसल समीर अधिकारी ने गोली मारकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। परिजनों ने आनन फानन समीर को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। रुद्रपुर से मुकेश मंडल की रिपोर्ट। प्रकाश में आया है, इसमें ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र के निवासी एक लगभग 35 वर्षीय व्यक्ति हैं जिनका नाम समीर है, उनकी मृत्यु का प्रकरण आया प्रकाश में। और ये सूचना बेसिकली हमें हॉस्पिटल से मीमो के माध्यम से मिली थी। तो इसमें जो इंजरी है वो हेड पे है, और किस प्रकार की इंजरी है और किस तरह से वो घटना हुई, इसके जाँच के लिए हम लोग पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई करा रहे हैं। साथ में जो घटनास्थल है वहाँ की भी हम लोग जाँच कर रहे हैं, उसमें एक वेपन भी मिलने की बात आ रही है प्रकाश में। और अभी हम फैक्ट्स को वेरीफाई कर रहे हैं, और इनके बेसिस पे जो भी इसमें तथ्य प्रकाश में आते हैं उसके हिसाब से अग्रिम कार्रवाई इसमें की जाएगी। घटना ये लगभग 2:30 बजे के करीब पुलिस को मीमो के माध्यम से सूचना मिली है।